हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और इंटरव्यू सेशन की इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं मिस अंशु, जिनका सिलेक्शन UPSC एडवर्टीजमेंट 50 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपके इस अचीवमेंट के लिए। साइकोलॉजी वर्ल्ड फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मिस अंशु, जो कि नेट क्वालिफाइड हैं, CCS यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है और अभी प्रेजेंट में ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपनी PhD कर रही हैं। तो आइए इंटरव्यू सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज मिस अंशु हमारे साथ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी और साथ ही कुछ टिप्स भी देंगी, जिससे कि आगामी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो आइए इंटरव्यू सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो मिस अंशु, आपका रिटेन में क्या स्कोर रहा? मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैम रिटन में मेरा स्कोर था 162 फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। ओके, वेरी नाइस। और तो इंटरव्यू के लिए आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर आपने रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपने तैयारी करी? मैम मैंने रिटन क्वालिफाई होने के बाद एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू की थी इंटरव्यू की। ओके ओके, तो स्कोर देख करके क्या लग रहा था, रिटर्न स्कोर देख करके, कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब या सेफ जोन में हो कुछ ऐसा? हाँ, मतलब क्या हुआ था कि जब आंसर की आ गई थी, लेकिन तब तक कट ऑफ का तो पता नहीं था कि कितनी जाएगी, तो तब यही था कि मैं इधर उधर सब लोगों से पूछ रही थी जिन्होंने और जिन स्टूडेंट्स ने लिया था एग्ज़ाम, कि उनका कितना स्कोर है, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग सके कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो जी, मैंने इधर उधर कुछ लोगों से पूछा, यूट्यूब पर कमेंट्स में मैंने और लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है। और मुझे तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसके मुझसे ज़्यादा स्कोर था, तो मुझे ऐसे तो लगा कि हाँ ठीक है, मैं सेफ जोन में हूँ, और मतलब इंटरव्यू अगर अच्छे से दूंगी तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो हाँ, इस चीज़ को डेफिनेटली, लेकर इस चीज़ को जी लेकर मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी। यस, डेफिनेटली। और अगर हम एडवर्टीजमेंट 49 की बात करें तो वहाँ पे जो कट ऑफ था 125 समथिंग गया हुआ था, और इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हायर था। तो अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो जो भी कैंडिडेट जिनका कि 130 प्लस आया होगा वो अपने आप को सेफ जोन में ही मान रहे होंगे, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा सा आगे चला गया था। तो एनीवेज क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, पेपर पे भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे वेरी करती हैं। जी जी बिल्कुल। जी, आपका इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल हुआ था? मैम मेरा इंटरव्यू 24 मई को था। ओके, पहले ही दिन आपका इंटरव्यू था। जी बिल्कुल। जी, वेरी नाइस। इवन ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट डे जब इंटरव्यू होता है तो ज़्यादा फ्रेशनेस होती है हाँ हाँ जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी एंड कैंडिडेट्स के लिए भी, कि जो होना है वो हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड डे या फोर्थ डे जाता है तो फिर ये लगता है कि क्या पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा गया, हमसे क्या पूछा जाएगा। तो हाँ हाँ होता ही है। हाँ, तो फर्स्ट डे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि कैसे आप इसको टैकल करोगे, कैसे हैंडल करोगे आप? हाँ, एक्चुअली मैं इंटरव्यू वाले दिन बहुत नर्वस थी, और जब हम लोग एक्चुअली अपने होटल से इंटरव्यू के लिए जा रहे थे आयोग, तो रास्ते में मैं अपने पापा के साथ आई हुई थी, तो मैं रास्ते में पापा को बोल भी रही थी कि मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। तो पापा ने मुझे यही सजेस्ट किया कि मुझे जस्ट काम और कॉन्फिडेंट रहना है, और उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। तो हाँ, नर्वस तो मैं थी थोड़ा सा, लेकिन फिर यही था कि रिटन में मेरा स्कोर अच्छा था, तो मुझे लगा कि अगर इंटरव्यू मैं नॉर्मल एवरेज भी देती हूँ ना, तो भी मेरा फाइनल इसमें सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चीज़ को लेकर मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी, इसलिए नर्वसनेस उतनी तो नहीं हुई। बाकी तो थोड़ा बहुत पापा साथ में थे, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया। इवन इवन आप तो टॉप 10 कैंडिडेट्स में से एक हैं, आप थर्ड पोजीशन पे हैं टॉप 10 जी कैंडिडेट्स में से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इंटरव्यू के लिए आपने क्या तैयारी करी, मतलब रिटर्न के बाद में फिर जब क्वालिफाई हो गया तो कुछ बीच का 1 से 1.5 महीना का टाइम रह गया था, तो उसमें आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि इंटरव्यू में वो लोग क्या पूछेंगे, हमें पता ही नहीं होता कि वो लोग थ्योरी से पूछेंगे या जनरल जनरल चीज़ें पूछ लेंगे या करंट अफेयर्स पूछ लेंगे या क्या पूछेंगे। तो बेसिकली मैं ये सोचकर चल रही थी कि मेरा जो बेसिक बेसिक थ्योरीज हैं वो मुझे याद होनी चाहिए, और मेरा सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था वो डेमो पर था, कि जो मुझे डेमो प्रिपेयर करना है वो मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए। और हुआ भी यही कि जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले डेमो देने को कहा, तो
उन्होंने जब मुझसे डेमो देने को कहा तो मतलब मेरे डेमो के बेस पर ही उन्होंने मुझसे आगे क्वेश्चंस किए, और उन्होंने मुझसे कोई भी और डेमो के अलावा कोई और क्वेश्चन ही नहीं किया उन्होंने। जिस टॉपिक पर मैंने डेमो दिया था उन्होंने मुझसे सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन किए। ओके okay. तो हाँ, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान मेरा यही फोकस था कि मैं डेमो पर थोड़ा फोकस करूं और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के वो उनकी एक क्लियर डेफिनेशन हो मेरे माइंड में, तो उस चीज़ पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया था। जी बिल्कुल. तो कौन से टॉपिक पे आपने अपना डेमो दिया? मैंने लर्निंग पर दिया था। ओके, लर्निंग की थ्योरीज. हाँ जी, लर्निंग की थ्योरीज नहीं, लर्निंग का मीनिंग और नेचर और लर्निंग मेथड्स। ओके, वेरी नाइस. तो टीचिंग के लिए आपने इसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज किया? मतलब क्या लगा आपको कि इस पे ही देना चाहिए डेमो? क्योंकि लर्निंग बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो जब भी हम शुरू करेंगे तो शुरू में ही लर्निंग आता है। लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो बिल्कुल शुरू में हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, तो इसलिए मैंने लर्निंग चूज़ किया। जी बिल्कुल. तो इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या-क्या पूछा गया? तो मेरा इंटरव्यू हुआ था अराउंड 4:30, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लिस्ट में नाम सबसे लास्ट में था और मेरे बाद कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए थे। तो जब मुझे इंटरव्यू बोर्ड में अंदर जाने के लिए कहा गया, इंटरव्यू रूम में अंदर जाने के लिए कहा गया, तो तब मैं अंदर गई। लेकिन डोर पर खड़े होकर मैंने सबसे पहले परमिशन ली, और जब उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा तो मैं अंदर गई और मैंने जाकर उनको सभी एक एक करके सभी मेंबर्स को ग्रेट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे चेयरमैन सर ने पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आप नेट हैं या जेआरएफ। तो मैंने कहा सर मैं जेआरएफ हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि जो भी आप बेस्ट प्रिपेयर करके आए हैं जो भी टॉपिक, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर जाकर पढ़ाइए। तो मैं जाकर पढ़ाने लगी, मैंने लर्निंग प्रिपेयर किया था, मैं जाकर लर्निंग पढ़ाने लगी। लेकिन मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लर्निंग टर्म का मीनिंग और डेफिनेशन बताया था। तो तभी जो चेयरमैन सर थे उन्होंने कहा कि ठीक है बस हो गया, आप अब यहाँ पर आकर अपनी सीट पर बैठ जाइए और यहाँ पर आके हमें बाकी का जो लेक्चर है वो एक्सप्लेन करिए। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं अपनी जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और मैं वहाँ बैठकर उनको अपना पूरा जो लेक्चर था वो एक्सप्लेन करने लगी। इट टुक मी अराउंड 5 मिनट्स, और जब मेरा लेक्चर पूरा ख़त्म हो गया तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे मैम ने किया। मैम ने कहा कि और बताइए लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज़ होती हैं। तो जो जो भी थ्योरीज मुझे उस टाइम पर याद आई मैंने उनको नाम बता दिया। तो मैम कहने लगी कि और कोई थ्योरी, तो मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मैम के चेहरे पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो वो बोलने लगी कि हल्की थ्योरी भी होती है। मैंने कहा हाँ जी मैम होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम मुझे तो उस टाइम पर मैं अच्छे से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो भी जितना भी मुझे याद आया उसका नाम था हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया, लेकिन मुझे अचानक से फिर बाद में पूरा याद आ गया। तो मैंने बता दिया कि इसका नाम ये होता है। तो मैम ने कहा कि ठीक है तो इसका नाम ये क्यों होता है। फिर मैंने उनको बता दिया। तो मैम कहने लगी कि क्या इस थ्योरी में और क्या होता है बताइए कुछ। लेकिन क्योंकि मैंने उस थ्योरी को उस टाइम पर मैं रिकॉल नहीं कर पाई और मैं टच में नहीं थी इतना लर्निंग की थ्योरी से, तो मैंने कहा कि मैम अभी मुझे याद नहीं आ रहा हूँ। तो मैम ने कहा कि ठीक है एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें SHR, वो बताइए क्या होता है। तो मैम फिर बोलने लगी कि आप फिर ऐसे करिए आप मुझे उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाइए। तो फिर मैं गई, मैंने उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा। उसके बाद मैम बोलने लगी ठीक है अब आके बैठ जाइए। फिर मैम ने कहा कि SHR का मतलब बताइए। तो मुझे S का मतलब याद नहीं आया, लेकिन H का और R का मैंने बता दिया उनको। तो फिर मैम बोलने लगी कि स्टिमुलस के बिना लर्निंग हो सकती है क्या। मैंने कहा हाँ मैम इसका तो स्टिमुलस था, मुझे नहीं याद आ पाया उस टाइम पर। तो फिर मैम ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैम ने बोला कि और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी थी, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर जो दूसरे सर थे वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे। उनका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आपने जब आपने कहा कि प्रैक्टिस से लर्निंग होती है, तो अगर आपको इस पर कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करना पड़े तो कैसे करेंगे जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि प्रैक्टिस से लर्निंग होती है, या पहले से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो आपको याद हो तो वो बताइए। तो मुझे याद आया कि हमने ग्रेजुएशन में एक एक्सपेरिमेंट किया था मेज लर्निंग के बारे में। तो मैं वही एक्सप्लेन करने लगी कि हम तो जैसे ही मैंने कहा कि हमने ग्रेजुएशन में एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो सभी मेंबर्स थे उनका जो हेड मूवमेंट था उसको देखकर मैं समझ गई कि ये लोग मुझसे ऐसा ही कुछ सुनना चाह रहे थे। तो मैं फिर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी हमारा जो लर्निंग एक्सपेरिमेंट था। तो सर फिर बोलने लगे कि ठीक है सर, फिर पूछने लगे कि इसमें आपने IV और DV क्या रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने बता दिया। फिर वो पूछने लगे कि क्या टाइम को भी डिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं।
मैंने कहा सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो फिर वो दूसरे मेंबर से, दूसरे सर से डिस्कशन करने लगे कि क्या टाइम भी डीवी हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे पहले जो मेरा इंटरव्यू चल रहा था वो इट वाज मोर लाइक अ क्वेश्चन आंसर, लेकिन इसके बाद जो इंटरव्यू मेरा रहा वो ऐसे लग रहा था कि मोर लाइक अ डिस्कशन। तो फिर सर बोलने लगे कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे और एक दो क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद मैम मुझसे वापस से पूछने लगी कि अभी आपने कहा कि मेज लर्निंग पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस मेज में और इस मेज में क्या फ़र्क होता है। तो वो मैम ने जस्ट एज अ जोक बोला था, तो मैंने कहा मैम वो मेज़ तो भूल भुलैया होती है। फिर मैम कहने लगी ठीक है उस मेज़ की स्पेलिंग बताइए, तो मैंने बता दी। तो मैम ने कहा कि ठीक है इस मेज की स्पेलिंग बताइए। तो मुझसे पहले चेयरमैन सर कहने लगे कि इस मेज को तो टेबल कहते हैं। तो फिर दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग एंड तो जो इंटरव्यू का माहौल था वो बहुत ही लाइट था, और सभी जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स थे सभी वो लोग बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्माइलिंग फेसेस थे और बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव थे। तो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा रहा। इसके बाद उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चंस और किए होंगे जो अभी शायद मुझे याद नहीं आ पा रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि मेरा इंटरव्यू लास्ट में था और सुबह से वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं थकान हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है उन्होंने जल्दी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया हो। लेकिन बाकी मैं अपने इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, मैंने अपना बेस्ट किया। और जब इंटरव्यू रूम से निकलते हुए मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। जब आप इंटरव्यू वेन्यू में पहुंचे तो फिर वहां पे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रोसीजर हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए। तो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो 9 बजे से शुरू होता है, लेकिन हम लोग आयोग 8:30 ही पहुँच गए थे। तो 9 बजे जब आयोग खुला तो उन्होंने हमें अंदर आने की परमिशन दी। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर बिठाया गया और हमसे अटेंडेंस लगवाई गई। जो अटेंडेंस शीट होती है वहाँ पर अपना नाम लिखकर आपको उसका सिग्नेचर करने होते हैं। तो अटेंडेंस के बाद में हम लोगों का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। एक एक करके सब लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली ये होता है कि जो आप जीरोक्स लेकर गए होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करके तब वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जो आपने 2 सेट बनाए होते हैं जीरोक्स करके सभी डॉक्यूमेंट्स की, वो दोनों सेट वहीं पर जमा हो जाते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू फ़ीस सबमिट करनी होती है, और जब आप इंटरव्यू फ़ीस सबमिट कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, और फिर आपको नीचे हॉल में वेट करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप अपने इंटरव्यू की बारी का वेट कीजिए। तो फिर जैसे भी शफल ऑर्डर में या जैसे शफल करके आपके नाम्स को वो लोग इंटरव्यू फिर आपका लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कब नीचे इंटरव्यू बोर्ड में जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले आप सुबह को आयोग जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इंटरव्यू फीस सबमिट करनी है, और फिर उसके बाद आपका ड्रेस कोड आपने क्या पहना था। हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, सभी लड़कियों के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन फिर वही था कि मैं उसको उतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाती, और फिर इंटरव्यू कभी कभी शाम तक भी खिंच जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप साड़ी पहनकर जा रहे हो और आप उतना कम्फर्टेबल नहीं हो, तो आपका जो बिल्कुल साड़ी है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी आपकी, और अगर आप उसको ग्रेसफुली कैरी नहीं कर सकते तो साड़ी ना ही पहने, वही सबसे बेहतर है। तो मैंने तो सूट पहनकर गई थी, मैंने सूट बाहर से खरीदा था और खुद से स्टिच करवाया था उसको अपने हिसाब से। मैंने फुल कॉलर वाला सूट और उसको उसकी जो स्लीव्स हैं फुल स्लीव्स रखा विद लेगी एंड साइड में दुपट्टा डाला था। तो ओके, कलर क्या था, कलर कॉम्बिनेशन क्या था? लाइट ब्राउन कलर की कुर्ती थी और वाइट लेगी और वाइट और ब्राउन दुपट्टा। ओके, कितने टाइम ड्यूरेशन तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू क्योंकि शाम को था, मतलब मेरा जो नंबर था वो लास्ट में था, मुझसे मेरे बाद सिर्फ दो या चार स्टूडेंट्स बचे थे। तो मेरा इंटरव्यू शाम को 4:30 के अराउंड हुआ था, तो इसलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, और मुझे मुश्किल से 10-15 मिनट का हुआ था मेरा इंटरव्यू। ओके, और आपके आसपास जो और भी बाकी कैंडिडेट्स थे उनका क्या टाइम, मतलब यही एवरेज टाइम ड्यूरेशन था या फिर किसी का थोड़ा सा ज़्यादा? यही एवरेज था, मतलब जब शाम के टाइम लंच के बाद तो यही एवरेज टाइम था, और लंच से पहले वो लोग अप्रोक्सीमेट 20 मिनट का एक इंटरव्यू कर रहे थे। ओके, तो आपने लगभग कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया आपने?
मैंने उन्होंने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें से शायद मैं दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाई, उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस को ठीक ठीक आंसर किया था। ओके, और कितने पैनल मेंबर्स कितने थे वहां पे? मेरे बोर्ड में चार पैनल मेंबर्स थे जिनमें से तीन सर थे और एक मैम थी। ओके, तो जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, जब आपको फिर जाने के लिए कहा गया, तो फिर आपको कैसा लग रहा था? मतलब आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई थे? लग रहा था हो जाएगा या फिर कुछ रिस्क है? क्या हाँ नहीं, लग रहा था आपको? मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। और इंटरव्यू देने के बाद, जब इंटरव्यू के दौरान भी मैंने जो पैनल मेंबर्स थे उनके चेहरे की तरफ और उनके फेस फेस एक्सप्रेशन और हेड मूवमेंट से पता चल जाता है आपको कि वो आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे और मैंने भी अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट किया। और जब मैंने इंटरव्यू रूम के बाहर निकली तो मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए बाहर तक गई, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। जी, मैं समझ सकती हूँ। और तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था UPSC का, हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। या किसी भी टीचिंग एग्जाम का ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, या फिर PGT एंड ऑल आपने पहले नहीं, भी? हाँ नहीं, ये मैंने पहली बार ही एग्जाम दिया था, मतलब मेरा किसी भी जॉब के लिए पहला ही एग्जाम था। ओके, वेरी नाइस। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसको इवन लास्ट तक आप पहुंच गए, क्रैक कर लिया और इसको क्वालिफाई भी कर लिया, और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप सेलेक्टेड भी हो गए। तो आप जी अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैम, इसका मेरी सक्सेस का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ही हमेशा से मुझे पूरी जर्नी के थ्रू आउट मुझे मोटिवेट किया और मुझे इंस्पायर किया। और जब भी मुझे सेल्फ डाउट होता था तो वो मुझे काउंसिल करते थे, और इवन इंटरव्यू के दौरान वो मेरे साथ रहे और जब तक मेरा इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो गया वो बाहर बैठे रहे। और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, जब मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी तो उन्होंने मुझे हेल्प की। तो मेरा सक्सेस का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। ओके, वेरी नाइस। वैसे फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। फैमिली का सपोर्ट अगर हो तो मीन्स कोई कुछ भी कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। जी। और रिटेन के लिए आपने कैसे तैयारी करी? रिटेन में इतना अच्छा स्कोर आपने कैसे किया? रिटर्न के लिए तो मैंने रिटर्न के लिए स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई ऐसे खास अलग से प्रिपरेशन नहीं की। एक्चुअली मैं उस टाइम पर JRF के लिए पढ़ रही थी, तो JRF का और UPSC का जो रिटर्न का सिलेबस है जी, वो बिल्कुल काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। कुछ कुछ बिल्कुल। सिलेबस हैं, हाँ कुछ कुछ टॉपिक हैं UPSC के सिलेबस में जो थोड़े एडवांस हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से थोड़ा सा प्रिपेयर किया था। जैसे स्टैट में आप देखोगे तो कुछ एक दो टॉपिक हैं, जैसे क्लस्टर एनालिसिस हो गया है ना, तो वो टॉपिक हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से प्रिपेयर किया था यूट्यूब पर से वीडियोस वगैरह देखकर। और बाकी तो वो JRF वाला जो सिलेबस था वहीं से सारा कवर हो गया था, तो रिटर्न का तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। इसके अलावा जो GS है उसके लिए, GS के लिए बस मुझे हाँ अलग से पढ़ना पड़ा था। तो वो हर जितना भी जो भी टॉपिक था वो मैंने NIOS की बुक और NCERT की बुक से टॉपिक वाइज उनके नोट्स बनाए थे और वहां से पढ़ा था। ओके, चलिए, वेरी नाइस। और आगे जो कैंडिडेट अब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें? इस बार जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट 51 भी आने वाला है, तो इस बार जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा तो मैसेज उनको यही रहेगा कि आपको पेपर 2 पर तो फोकस करना ही है, साथ में आप लोग पेपर 1 पर भी अपनी अच्छी कमांड बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि पेपर 2 में तो सभी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 की वजह से उनका स्कोर कम रह जाता है। तो आप ये जी टारगेट बिल्कुल। बनाकर चलिए कि आपको कम से कम 25 क्वेश्चन पेपर 1 में करने ही करने हैं। करेक्ट, तो पेपर 1 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए और पेपर 2 पर तो अच्छी पकड़ बनानी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आगे इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल। और इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे व्यूवर्स को? इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलूंगी कि आपको नहीं पता कि वो लोग आपसे क्या पूछेंगे, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे उन्होंने सिर्फ जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसी से क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मुझसे पहले जो कैंडिडेट्स थे उनसे वो लोग स्टैट के बारे में पूछ रहे थे। तो वो लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो जितना आपको आता है उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट रहिए, जो आपको नहीं आता उसको उसको आप उनके सामने बोल दीजिए कि अभी मुझे नहीं आता या अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही या जो भी है। तो जो आपको आता है उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहिए बस। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू सेशन खत्म होता है, और
मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और ये हमारे आगे के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उन्हें करियर को बना पाएंगे और आइडिया ले पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इंटरव्यू सेशन को हम खत्म करते हैं। आपको बहुत सारी धन्यवाद देने के साथ ही मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ आपकी ज्वाइनिंग के लिए और आगे आपके फ्यूचर के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक थैंक यू। यू।